आज हम बना रहे हैं आलू बड़ा। तेल और तेल हम लेंगे 80 ml, आधा चम्मच राई, जीरा आधा चम्मच, हींग 5 हरी मिर्च, बेसन 2 चम्मच, अच्छे से चलाएंगे। गार्लिक का पेस्ट 2 छोटे चम्मच, बेसन अच्छे से भून गया गार्लिक के साथ, चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया, आंच को बंद करेंगे। ये 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, गर्म मसाला, चम्मच चीनी, काला नमक, सेट्रिक एसिड 1/4, आमचूर भी, नमक, मैश किया हुआ आलू, हरा धनिया, एक से एक आइटम भरे पड़े हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। कढ़ाई छोड़ना चालू कर दिया है। बेसन, नमक, धीरे धीरे पानी डालेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 पिंच सोडा, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच तेल, तैयार है। चटनी बनाएंगे हम। हरा धनिया हम डाल रहे हैं, कटा हुआ पुदीना, कटी हुई हरी मिर्च, पानी, पेस्ट। चलिए हमारा पेस्ट बनके तैयार है। अब एक पैन में लेंगे चीनी, पूरे 2.5 चम्मच, 25 ml पानी और उबालते हैं, कॉर्नफ्लोर, और धीरे धीरे डालना है। क्या बढ़िया तरीका है चटनी बनाने का। और चीनी और कॉर्नफ्लोर के घोल को डाल देंगे बाउल में, अच्छे से चला लीजिए, गर्मी निकल जाएगी। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 पिंच सेट्रिक एसिड, धनिया और पुदीना का पेस्ट। आइए अच्छे से मिक्स करते हैं। चटनी बन के तैयार है। आलू बड़ा बना लेंगे अच्छे तरीके से। आलू के मिक्सचर को गोल करके एक प्लेट पे रख देना है। राउंड बॉल बनाना है और बराबर साइज़ के बनाना है। तेल हमारा गर्म है और हम बना रहे हैं आलू बड़ा। अच्छे से गोल करके बैटर में डालेंगे। तेल की आंच को हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखना और नहीं ठंडा। अच्छे से चला के और इसे क्रिस्पी होने तक हमें तलना है। और हमारा बड़ा तैयार हो गया है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। आलू बड़ा लेंगे हम एक बड़ा और इसे तोड़ना है और ऊपर से डालेंगे हम हरी चटनी, मिर्ची और पाव। स्पाइसी और चटकदार आलू बड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सेवस्वनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।